थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अंदर फिगर तो आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़ी ऐसी फिगर, और खुली फिगर बनाना प्लीज, थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाना। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में लेट अस सपोज आपने एक बॉडी को ले लिया, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसका जो एक्सिस है मान लो ये एक एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये मान लो इस एक्सिस का नाम है सी डी, सी एन डी, और ये एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, बनाओ सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, M1, M2, M3 अप टू MN, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए सिर्फ दो ही पार्टिकल लेने वाला हूँ, M1 एंड M2 बस। तो चलो इमेजिन करते हैं, ये आपका एक पार्टिकल है M2 और ये आपका पार्टिकल है M1, कोने में लेना प्लीज ऐसे, M1 ऐसे। तो M2 का डिस्टेंस, M2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से R2 है सपोज, और M1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से R1 है सपोज, ये लो एक R2 और एक R1, ठीक है यहां तक। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया CD एक्सिस के अबाउट निकाल के दो, M1 एंड M2 बोथ आर पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, M1 इंटू R1 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लिया जाएगा एक्सिस CD से, तो M1 का डिस्टेंस R1 है, M2 का डिस्टेंस R2 है, तो M2 इंटू R2 स्क्वायर, ऐसी और पार्टिकल होते होंगे तो MN इंटू RN स्क्वायर। तो I ऑफ CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा M1 M2 M3 की जगह MI, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर की जगह RI स्क्वायर, वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to N, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकाल लिया, अबाउट एक्सिस CD। ठीक है यहाँ तक। अब ये तो बात क्लोज करते हैं, ये तो बात सही होगी। अब CD एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। मैं ये इमेजिन करता हूँ, मान लो एक और एक्सिस है जिसका नाम है AB, AB, ये ड्रॉ करो AB, और ये AB एक्सिस CD के साथ पैरेलल है, क्योंकि मेरे को थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समझानी है तो मेरे को एक्सिस पैरेलल तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने एक एक्सिस क्या ले लिया, AB, और इन दो एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट अस सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है, इन दो एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच है, ठीक है यहां तक। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नए एक्सिस AB के अबाउट निकालना है, अब क्योंकि मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, अब मैं सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस किस एक्सिस से लूंगा, अबाउट एक्सिस AB, पहले मैं किसके अबाउट ले रहा था CD, अब मैं किसके अबाउट लूंगा AB, क्लियर है। तो बताओ M1 पार्टिकल का डिस्टेंस AB से कितना है, ये लो कितना, R1 - H, बिल्कुल सही, क्योंकि ये डिस्टेंस R1 है, ये H है, तो क्या बना R1 - H, क्या ये पॉइंट क्लियर है, R1 में से H माइनस किया तो R1 - H, और ऐसी M2 का डिस्टेंस क्या बनेगा बोलो, M2 का डिस्टेंस यहां से यहां क्या बनेगा बोलो, ये R2 है और ये H है, तो क्या बनेगा R2 + H, ये लो, तो एक का बना R1 - H, एक का बनेगा R2 + H। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB में क्या बनेगा, M1 × R1 - H का होल स्क्वायर प्लस M2 × R2 + H का होल स्क्वायर
ठीक है, ऐसे बनेगा। अब क्योंकि मेरे को एक्सेस क्या लेना पड़ा, अब सी डी, सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एम वन का डिस्टेंस सी डी से लिया, एम वन इंटू कितना आर वन माइनस एच का स्क्वायर, एम टू कितना एम टू इंटू आर टू प्लस एच का होल स्क्वायर, एम थ्री इंटू क्या लें, और पार्टिकल भी तो होते होंगे, एम थ्री इंटू आर थ्री प्लस की माइनस, पता नहीं या प्लस या माइनस, क्योंकि डिपेंड करता है कि पार्टिकल उस तरफ है या पार्टिकल इस एक्सिस के इस तरफ है। अगर तो उस तरफ हुआ तो माइनस में, इस तरफ हुआ तो प्लस में, मैं कह नहीं सकता। तो कुछ होता होगा, तो मैंने डॉट 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 कर दिया कि या प्लस या माइनस या प्लस होता होगा। तो और अगर मैं यहाँ पर आई ऑफ ए बी को समेशन की फॉर्म में लिखूँ तो देखो कैसे लिखूँगा, सिग्मा एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव की जगह एम आई, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन। नेक्स्ट ध्यान से देख लो, इधर पहली टर्म में क्या आ रहा है आर वन, अगली टर्म में क्या आ रहा है आर टू, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा आर थ्री आर फोर आर फाइव, तो यहां पर आर आई। एच इज अ कॉन्स्टेंट, सॉरी माइनस प्लस, पता नहीं प्लस पता नहीं माइनस, पता नहीं प्लस पता नहीं माइनस, तो प्लस माइनस कुछ भी उनमें से एक, तो प्लस माइनस। एच इज अ कॉन्स्टेंट, एच इज अ कॉन्स्टेंट, एच इज अ कॉन्स्टेंट, एच इज अ कॉन्स्टेंट, टू इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये लो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो आई ऑफ ए बी समेशन की फॉर्म में क्लियर है कैसे लिखने, तो आई ऑफ ए बी को समेशन की फॉर्म में ऐसा लिख दिया। सही, डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब अगर मैं इसे ओपन करूं, आई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, ये लो I varies from 1 to n, ये देखो एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू आर आई इंटू एच, ये लो ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है इसे ओपन कर दिया। ठीक है, तो इसमें जब इसे ओपन किया तो इसको ओपन और ओपन करते हैं, सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस सिग्मा एम आई इंटू एच का स्क्वायर वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस माइनस सिग्मा 2 एम आई आर आई इंटू एच वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। तो मैंने ओपन कर लिया सिग्मा एम आई को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया, सिग्मा एम आई को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसमें आई ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू, एक बात बताओ एम आई आर आई स्क्वायर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी कितनी, आई ऑफ सी डी, देख लो सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर क्या निकलता है आई ऑफ सी डी। तो मैं नीचे वाली इक्वेशन में यहां पे इसकी जगह पुट करने वाला हूं आई ऑफ सी डी, आई ऑफ ए बी इक्वल टू आई ऑफ सी डी, ठीक। प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा सिग्मा एम आई वेर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन प्लस माइनस, इसकी वैल्यू स्ट्रेट वे जीरो मार्क कर दो। मैं बताता हूं क्यों जीरो करनी है मैंने, या मैंने ऐसा क्यों किया, इसका आंसर भी दूंगा, रुको। ये जीरो, अब ये बताओ आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू आई ऑफ सी डी प्लस एच स्क्वायर इनटू सिग्मा एम आई क्या है, ओपन करो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम फाइव अप टू एम एन, यानी कि टोटल मास एम, टोटल मास क्या लिख सकते हैं एम, यही तो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। चेक कर लो, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ए बी एक्सिस का होगा वो आई सी डी जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है प्लस एम एच स्क्वायर, यही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कोई मुझे बता सकता है कि उसका आंसर जीरो क्यों है, वो जो टर्म है उसका आंसर जीरो क्यों मार्क करना है?
अच्छा ये बताओ, जब मैं इसे ओपन करूंगा, 2H तो बाहर आ गया, ओपन करके ये टर्म क्या आएगी? M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 अप टू MnRn, ये बनेगा। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक पॉइंट है M1 जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है R1, एक पॉइंट है M2 जिसकी दूरी यहाँ से R2, और अगर मैं ये बोलूँ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये बॉडी ऐसे मूव नहीं कर रही, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट करवाया था, M1 × R1 इज इक्वल टू M2 × R2, यही था क्या? ऐसे कर लो, M1g × R1 इज M2g × R2, टॉर्क लगा लो, फोर्स डिस्टेंस बराबर करोगे, ये टर्म आएगी, क्लियर है? तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है और ये बिल्कुल रेस्ट पे है, तो M1 × R1 इज इक्वल टू M2 × R2 अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास में से, तो सेंटर ऑफ मास के कुछ पार्टिकल लेफ्ट पे होंगे, कुछ राइट पे होंगे, तो यहाँ से M1 × R1 माइनस M2 × R2 इक्वल टू क्या है? 0। अगर ये पार्टिकल दो ना होते हुए 200 होते या एन नंबर ऑफ पार्टिकल होते तो भी ये रूल वैलिड था, और अगर ये इक्विलिब्रियम में होता, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे और टर्म्स ऐड हो जाती, कुछ पॉजिटिव होती और कुछ नेगेटिव होती, पर इन द एंड सम क्या आता अबाउट सेंटर ऑफ मास? 0। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब इसे ओपन करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास, M1 × R1 M2 × R2 में से कुछ टर्म्स क्या आएंगी? पॉजिटिव, और कुछ टर्म्स क्या आएंगी? नेगेटिव, पर क्योंकि सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मूव तो कर नहीं रहा, रेस्ट पे है, तो इसका सम क्या आएगा? 0। आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर मुझसे तो पूछोगे सर आपने 0 को पुट किया, तो मैं बता रहा हूँ कि इसलिए 0, क्योंकि किसी भी पॉइंट जो बैलेंस पॉइंट है या जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है या इक्विलिब्रियम है किसी भी बॉडी का, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका समेशन क्या आता है? 0। क्लियर है? और इसकी स्टेटमेंट नोट कर लें अपनी कॉपी में इसमें, क्योंकि स्टेट एंड प्रूफ आएगा ये। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सिस ए बी इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस सी डी प्लस मास इनटू एच स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट नोट कर लें, स्टेट एंड प्रूफ में ये लिख सकते हैं।